लाइट, पबजी, बीजीएमआई, इन तीनों गेम्स में है ना जॉयस्टिक प्लेसमेंट मैटर करती है, और उनके लिए ये वाली ट्रिक बेहतरीन ट्रिक है। देखो आप लोग पहले देखो, अगर आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही होती है ना, तो आप कभी भी ओपन में अगर किसी बंदे पे रश कर रहे हो या फिर आपको बंदे की पोजीशन नहीं पता और बंदा सरप्राइजली कहीं से निकल आता है, ठीक है, तब भी आप उसको कैड़े वाला जिगल देके, मतलब हेड पे रहेगा बिल्कुल क्रोशियर, अगर आपकी प्लेसमेंट सही है। अगर आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट सही नहीं है ना, तो आपका क्रोशियर भी हमेशा ही हिलेगा। तो क्रोशियर की स्टेबिलिटी बिल्कुल ही जॉयस्टिक प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करती है, और इसका सिंपल सा लॉजिक ये निकलता है, अगर अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट को ठीक करोगे ना, तो आपकी जो क्रोशियर की स्टेबिलिटी है ना, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी विदाउट कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई ड्रिल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे फाइंड आउट सकते हो कि भाई आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बंदे अभी भी सोच रहे हो भाई मेरी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट तो सही है। आज मैं आपको दो ठोस रीजन बताता हूं जो कि भाई कॉम्पी में हर, मतलब एवरी यूट्यूबर यूज करता है फाइंड आउट करने के लिए कि भाई उसकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। आप क्या सोचते हो भाई, अगर आपकी जॉयस्टिक स्टक होती है या फिर आप सही से जिगल नहीं दे पाते, ये जॉयस्टिक की मतलब प्लेसमेंट सही नहीं है, ये इनके रीजन है, ठीक है। इनके रीजन नहीं है, देखो मैं आपको पहला रीजन बताता हूं। आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही नहीं होगी ना, तो आप कभी कभी तो सही खेलोगे और कभी कभी गलत खेलोगे। सही गलत से मेरा मतलब है जैसे आप 1v1 करते हो फिर क्लासिक में खेलते हो, तो कभी कभी एक दिन ऐसा आता है मतलब आप कैड़े वाला जिगल देते हो, ठीक है, मतलब आपसे कोई हार ही नहीं सकता, मतलब आप 1v1 में मतलब गोड हो जाओगे उस दिन। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे जिगल ही नहीं होगा, मतलब आप मरते ही जाओगे भाई, जिगल मतलब कैड़े वाला जिगल दोगे, और आप ये भी बोलोगे भाई मैं जिगल तो दे रहा हूं बट सामने वाला बंदा मेरी मूवमेंट को पकड़ रहा है, ठीक है। तो दिन है ना जिस दिन आप मरते हो, ठीक है, उसी दिन पता चलता है भाई आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है। आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही होगी ना, और आप 100% देके जिगल दे रहे हो, तो आपका जिगल निकल के आएगा, सामने वाला बंदा बोलेगा भाई जिगल तो है, ठीक है। अगर आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट सही नहीं होगी ना, तो आप हफ्ते में 3 दिन सही खेलोगे, हफ्ते में 2 दिन गलत खेलोगे, मतलब खेला ही नहीं जाएगा 2 दिन, तो ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है। दूसरा, आप ना हमेशा स्टक होते रहोगे जॉयस्टिक, आपकी जॉयस्टिक आपके हाथों से छूटती रहेगी, ठीक है, मतलब आप बिल्कुल भी मूवमेंट के लायक ही नहीं रहोगे, सामने वाला बंदा आपको बोलेगा नूब, ठीक है। आपको इतने साल हो गए बीजीएमआई और पबजी खेलते हुए, आपने मतलब एक्सपीरियंस किया गेम को, फुल खेला 2-3 साल तक, और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, गेम को एनालाइज किया, और आपको पता चला कि जॉयस्टिक की ना 3 बेस्ट प्लेसमेंट निकल के आती है, 70, 80 और 120, ठीक है, मतलब 70, 80 और 120, ठीक है। इन तीनों में से ना आपको अपनी एक रखनी होती है, और बहुत सारे बंदे बोलते भाई अंगूठे के साइज के हिसाब से रखो, ठीक है, और बहुत सारे बंदे बोलते भाई अगर जॉयस्टिक की प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है ना आपको, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और स्क्रीन पे अंगूठा रखना है, और जहां पे आप रखोगे ना वही आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट है, रैंडमली जहां पे अंगूठा जाएगा, ठीक है। भाई मेरा अंगूठा तो फोन से बाहर जाता है, तो मैं कहां पे जिगल दूं, सच में बताओ, चीजें गलत है। मैं आपको एक परफेक्ट चीज बता दूं कि आपको जॉयस्टिक की प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको साइज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपनी जॉयस्टिक का साइज आप कितना रखने वाले हो। देखो अंगूठे अंगूठे के चक्कर में मत पड़ो, अगर आपको अपनी जॉयस्टिक का बेस्ट साइज चाहिए ना, तो आपको करना कुछ नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से रखना, ठीक है। देखो अगर आपका अंगूठा ज्यादा मोटा है ना, तो आपकी जॉयस्टिक है ना बिल्कुल छोटी हो गया ना तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉयस्टिक आपके अंगूठे से छूटेगी नहीं, ठीक है। और अगर आपका अंगूठा पतला है ना, तो थोड़ा जॉयस्टिक बड़ा रख लो, ताकि अपनी जॉयस्टिक को छूटने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कि आपकी जॉयस्टिक स्टक ना हो, ठीक है। अभी बहुत सारे बंदे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई कंफर्ट की ऐसे की तैसे, पहले ये बताओ कि जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है कि नहीं करता। देखो जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है, बट वो फर्स्ट कॉलम में मैटर नहीं करता। देखो हमारे बीजीएमआई में ना 3 प्रकार के कंट्रोल सेटअप दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे में एवरेज बंदे नहीं खेलते, मतलब 80% बंदे नहीं खेलते हैं, लेकिन 80% बंदे है ना फर्स्ट और थर्ड में जरूर खेलते हैं, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम में है ना मैटर जरूर करता है जॉयस्टिक का साइज, लेकिन फर्स्ट वाले कॉलम में जॉयस्टिक का साइज मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो मैं आपको एंड में बोनस टिप के साथ बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, वो भी बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, तब वो कोई भी बंदा जिगल में हराते हुए रो देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे कंट्रोल सेटअप पे ले चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बीजीएमआई में ना 3 प्रकार के कंट्रोल सेटअप होते हैं, तीनों में से बहुत सारे बंदे 80% बंदे है ना फर्स्ट और थर्ड में खेलते हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। देखो अगर आप फर्स्ट वाले कंट्रोल सेटअप में कोई भी बंदा खेलता है 2 फिंगर 4 फिंगर 6 फिंगर, मतलब जो भी आपका मन करता है वो अगर आप खेलते हो ना फर्स्ट वाले में, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में जॉयस्टिक का साइज मैटर नहीं करता और प्लेसमेंट भी मैटर नहीं करती, ठीक है। अगर आप इसमें खेलते हो तो आप कभी भी है ना अपने माइंड में मसल्स मेमोरी नहीं बना पाओगे। अगर आप स्लो हो ना मसल्स मेमोरी बनाने में, जैसे आपको पता है कि जॉयस्टिक के बीच में जिगल देते हैं ना, तभी जाके लॉन्ग और मिड जिगल हम कर सकते, ताकि बंदा ना हमें ट्रेस ना कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आपका मसल मेमोरी नहीं बैठता ना भाई, कि आप ऊपर नीचे जिगल देते हो जॉयस्टिक के, आपसे नहीं होता, कहीं पर भी टैप करोगे ना इस वाले कंट्रोल में, वहीं से जॉयस्टिक वर्क करेगी। जैसे अगर आप जॉयस्टिक को टच भी नहीं करोगे ना, ऊपर नीचे टच करोगे जिस साइड जॉयस्टिक है, तो वो जॉयस्टिक के ऊपर टच होगा, ठीक है। वो मतलब इस वाले क्लो की एक मतलब समझ सकते हो कि खासियत है, और हम इसको खासियत नहीं बोल सकते। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं भाई इस वाले क्लो में है ना हमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जॉयस्टिक स्टक नहीं होती, तो हमें हमेशा इसमें ही खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो डीप बातें होती है ना, जो कॉम्पी प्लेयर्स इसके बारे में नहीं करते, जिन बंदों की मसल्स मेमोरी नहीं बैठती है ना, वो बंदे इस वाले सेटअप में नहीं खेलेंगे। आपको हमेशा अगर आपको अपनी जॉयस्टिक प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना ना, तो आपको थर्ड क्लो सेटअप में खेलना है। देखो मैं अपनी जॉयस्टिक को थोड़ा वो कर देता हूं, ट्रांसपेरेंसी हाई कर देता हूं, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। देखो इसमें अगर आप दूसरी जगह पे टैप करोगे तो आपको कैमरा एंगल मूव होगा, देखो ऐसे। देखो अगर आप उस वाले सेटअप में खेलोगे ना फर्स्ट वाले में, तो आप कहीं पे भी टैप करो आपकी जॉयस्टिक भी टैप होगा। इसका मतलब
मतलब आपकी जोस्टिक है ना वो आपकी मसल्स मेमोरी को बनने ही नहीं देगी, क्योंकि आपको जोस्टिक के बीच में टैप करना है और आपको बीच में ही जिगल देना है, तभी आपका लॉन्ग जिगल निकल के आएगा। ठीक है, ये सबको पता है कि जोस्टिक के बीच में साइड वाइड करोगे तभी भाई जिगल निकल के आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें करोगे नहीं, आपकी मसल मेमोरी बनेगी नहीं भाई, आप ऊपर नीचे कहीं पर भी टैप करोगे, बस सामने चांस से बंदा आता ना, तो हम क्या करते हैं कहीं पर भी नर्वसनेस में टैप करते और आपकी जोस्टिक वर्क करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड सेटअप में खेलोगे ना, थर्ड क्लो में खेलोगे और आप कहीं पर भी रैंडमली टैप करोगे, अगर कोई सरप्राइजली बंदा आता है, ठीक है, तो आपका कैमरा अचानक से मूव हो जाएगा ऊपर नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड वालों में खेलोगे तो आपकी जोस्टिक की प्लेसमेंट और मेमोरी दोनों साथ में बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप कितनी बार पिटोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, पचास बार। ठीक है, देखो मरते जाओगे और एक दिन आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएगा कि भाई अगर जोस्टिक पे टैप नहीं किया ना तो समझो कैमरा मूव हो जाएगा और अचानक से मैं मर जाऊंगा। ठीक है, देखो आपको मैंने मसल मेमोरी के बारे में तो बता दिया, अब बात आती है भाई आपको थर्ड क्लो में अपनी प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो जब आपकी प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगी ना, तो आप हफ्ते में कभी भी नहीं मरोगे। जैसे आप जिगल अगर अपना 100% आप देखे जिगल करोगे ना, तो आप बढ़िया से खेल सकते हो, मतलब आपको कभी भी जिगल में कोई बंदा नहीं हरा पाएगा, आप अपना 100% दे सकते हो। ठीक है, और आपको अपने एम पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, जिस फ्रेंड के साथ खेलते हो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, मतलब आपको लगता है भाई ये तो मेरा फ्रेंड है, अगर मैं इसे हार भी जाऊंगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको उस बंदे के साथ 1v1 करना है और थर्ड क्लो सेटअप में आपको खेलना है, और जब भी आप 1v1 मतलब जिगल टू जिगल आपको खेलना है, ऐसा नहीं कवर टू कवर खेल लो, ओपन में जाओ जिगल टू जिगल खेलो दोनों बंदे, मतलब वो भी जिगल देगा आप भी जिगल दो, और जब भी आप उस वाले बंदे से मरो ना तो अपनी जोस्टिक को ऊपर नीचे साइड वाइड में थोड़ा बहुत खिसकाते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी जोस्टिक के ना बेस्ट प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लोगे और आपको कोई भी बंदा जिगल में मार तो देगा, बट मारते वक्त ना उसकी हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपका जिगल परफेक्ट होगा, बस आपको अपने एम पर फोकस करने की जरूरत होगी। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।